दबाव पड़ता है, पोस्चुरल थेरेपी बोलते हैं। गर्म पानी में बिठाते नहीं, हम बिठाते हैं। एक किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर करेगा तो एक किडनी के सेल्स को रिपेयर करेगा। हीट से प्रोटीन डेवलप होता है। अरे मनीष जी, मैंने आपकी जो वीडियोस देखी ना, बहुत सारी वीडियोस में आप ना गर्म थेरेपी वाला जो पानी है उसके अंदर लोगों को लिटा देते हैं टब के अंदर, वो क्या है एक्चुअल में? वो क्या सच में बीमारियों को खत्म कर रहा है ये थेरेपी? देखो, पहली बात तो आप गर्म पानी में लिटाते नहीं, हम बिठाते हैं। अच्छा, वो बिठाने का लॉजिक क्या है, उसके वजह साइंस क्या है? जी, जब भी हम गर्म पानी में बैठते हैं जी, तो हम पर एक दबाव पड़ता है, पोस्चुरल थेरेपी बोलते हैं उसको। अच्छा, जैसे अभी हम पे हवा का दबाव है। हाँ, जब हम पानी के अंदर बैठे होंगे तो पानी का दबाव भी आ जाएगा जी, और हवा का दबाव भी आ जाएगा। और मैं चाहूंगा एक मिनट मैं इसका आंसर दूं, इससे पहले एक बार आप पीछे ना पूरा दिखा दो। ये हमारा B1 ब्लॉक है जी, जिसको विद्यांचल बोलते हैं जी। वो सामने B2 ब्लॉक है, उसको पूर्वांचल बोलते हैं। उधर 52 कमरे हैं, इधर 74 कमरे हैं, और ये सारे इस टाइम हाउसफुल है। मतलब हमारे पास किसी भी कमरे में एक भी पेशेंट की सीट खाली नहीं है, खुला है। मतलब हमारे पास अगले 20 दिन तक की एडवांस बुकिंग है। तो ऐसे ये है, ऐसी चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई सब जगह हाउसफुल है। वजह हम नहीं चाहते हाउसफुल रहे, भरोसा लोगों। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों के पास चारा नहीं बचा, क्योंकि कहीं इलाज भी नहीं दे रहा। हाँ, सब जगह लूट चल रही है जी। आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस दिखाते हैं, डॉक्टर उनके गलत स्टंट डाल देते हैं, गलत इलाज कर देते हैं, तो वो भुगतान नहीं करना पड़ता है। गर्म पानी में बैठते हैं ना जब हम, तो हमारी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन पैदा होता है, हीट शॉक प्रोटीन डेवलप होता है। हीट शॉक प्रोटीन ना, जो किडनी मर चुकी है, वीक हो गई है, उसको वापस रिजनरेट करने का, रिपेयर करने का काम करता है। और बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स हैं, और हमारी बॉडी में जो सेल की बिल्डिंग का काम है, प्रोटीन करते हैं। ऐसी अगर आप ठंडे पानी में बैठते तो कोल्ड शॉक प्रोटीन पैदा होता। अच्छा, हीट में बैठे तो हीट शॉक प्रोटीन पैदा हुआ। इन दोनों में अंतर क्या हो गया आचार्य जी? रिपेयरिंग के काम है। एक किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर करेगा तो एक किडनी के सेल्स को रिपेयर करेगा। अच्छा, तो दोनों काम रिपेयरिंग ही करेंगे। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।